खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। छतरपुर जिले के बगौता गांव में सरपंच, सेक्रेटरी और महासचिव के ऊपर 22 जुलाई को एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत इन लोगों ने पुलिस में कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब इन लोगों ने 24 जुलाई को कलेक्टर सर को आवेदन दिया कि आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक जिसने हमला किया था वो अभी फरार चल रहा है। और आदित्य सोनकिया डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने डेली रूटीन के काम से प्रधानमंत्री सम्मान निधि के फॉर्म ले गया था और एक परिवार सहायता का फॉर्म था जिस पर सरपंच सर के दस्तखत होने थे। तो वहाँ से जब हम लोग लौट रहे थे तो एक किराना की दुकान है जिनका नाम है कृष्ण प्रताप सिंह, उन्होंने रोका गाड़ी को। उसके बाद कॉलर पकड़ी पीछे से और गाड़ी से खचीचते हुए दीवार में मार दिया, मोबाइल लेके हमारा फेंक दिया और दस्तावेज जो लिए थे उनको फाड़ दिया। वो कह रहे थे कि हमारे घर हर योजना के लिए हमारे घर पे आइए, आप हमें बताइए, हम नहीं तो हम तुम्हारी ऐसे तैसी कर देंगे, मतलब गाली गलौज करते रहे। मैंने अपने कार्यालय में जनपद सीओ सर को भी बताया है और थाने में FIR दर्ज कराया, अभी FIR दर्ज कर ली गई है। ज्ञापन इस बारे में दिया है जो बगौता में ये अप्रिय घटना घटी है सचिव और रोजगार सहायक के साथ। तो आज हमारे साथ पंचायत इंस्पेक्टर साहब, रोजगार सहायक, सभी सचिव, सरपंच, सब लोग, पूरा जनपद हमारे साथ में यहाँ आया है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। SP साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं अभी हम, और अपने जनपद साहब को भी ज्ञापन दिया है, LDM साहब को भी अवगत कराया, FIR भी की थी कल। तो आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि फील्ड वर्क का हम लोगों का काम रहता है, ग्राम पंचायत में हम लोग अकेले रहते हैं। यदि इस तरह की घटनाएं हमारे साथियों के साथ घटित होंगी तो हम शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुँचा पाएंगे, यही हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जल्द से जल्द जो घटना ये घटी है इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो अपराधियों की, और जितने जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी हमारे सचिव भाइयों को संतुष्टि मिलेगी, संगठन पूरी तरह प्रशासन का और शासन का सहयोग नहीं हो पाती टाइम पर। यदि सर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और इसी तरह का चलता रहेगा तो हम तो कलम बंद हड़ताल या काम ही बंद कर देंगे, पंचायत का ताला लगा देंगे, क्योंकि पूरे कर्मचारी, रोजगार सहायक, सचिव, ग्राम सेवक और सहायक सचिव, सभी लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने FIR करा दी है, बस FIR के अनुक्रम में जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी हो और जिला प्रशासन की यही इच्छा है और इसके संबंध में मैं कलेक्टर साहब को अवगत करा देता हूँ। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।